जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एसएससी जीडी का जो करेक्शन विंडो है ओपन हो चुका है। एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अब उसमें कुछ मेरे प्यारे ऐसे भी साथी हैं जिनसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई होगी, कोई मिस्टेक हो गई होगी और जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि यार ये हमारे से गलती हो गई और हो सकता है कि उस गलती से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। देखो, एसएससी जीडी ने आज करेक्शन की विंडो ओपन कर दी है। यदि फॉर्म भरते समय आपसे किसी भी तरीके की कोई भी गलती हुई हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको फॉर्म में कौन कौन सी स्पेशली तरीके से गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो स्टार्टिंग में इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और फिर जब वो एग्ज़ाम देने के बाद में जब एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, फिजिकल कर लेते हैं, जब उनका फाइनल तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना, तब उनको पता चलता है कि हमारी एक छोटी सी फॉर्म में गलती की वजह से हमने जो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके एग्ज़ाम पास किया था ये सारा का सारा एक तरीके से कोई मतलब का नहीं निकला। हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ध्यान रखना, यदि इस फॉर्म में आप आज कोई गलती कर दोगे ना तो ऐसा मत समझना कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया तो अब आपको किसी तरीके से कोई चिंता नहीं है। यदि आपने फॉर्म में किसी तरीके से कोई गलती की है तो उसका नुकसान आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। पिछली जो वैकेंसी थी उसमें मेरा खुद का एक जानकार था जिसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर किया गया था। अब आप खुद सोच सकते हो उस कैंडिडेट का दर्द कितना ज़्यादा दुखी हुआ होगा वो, जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर निकला एक छोटी सी गलती की वजह से। तो यदि आपको लग रहा है कि फॉर्म में मेरे से किसी तरीके से कोई गलती नहीं हुई है तो भी आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना और इसके बाद में आप एक बार अपने पोर्टल को ओपन करके देखना, अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लग जाएंगी अच्छे तरीके से बारीकी से अपने फॉर्म को फिल पढ़ना अच्छे से कि उसमें आपने किसी तरीके से कोई गलती तो नहीं कर दी है। और यदि आपने कोई गलती कर दी तो अभी आपके पास समय है, आप उस गलती को ठीक कर सकते हो, ठीक है। बाद में आपके पास किसी तरीके से कोई ये ऑप्शन नहीं रहने वाला। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि आपके किसी भी साथी से कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे पहले देखो, फॉर्म में आप करेक्शन किस तरीके से कर सकते हो, आप फॉर्म में कहाँ कहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। देखो, आप फॉर्म में किसी भी तरीके का करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से लिमिट नहीं है कि आप अपने बायोडाटा में करेक्शन नहीं कर सकते, आप अपने एड्रेस में करेक्शन नहीं कर सकते, आप अपने फोटो में करेक्शन नहीं कर सकते, नहीं। पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसमें आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो। कहीं किसी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारी जगह बाउंडेशन होती है कि आप अपने बायोडाटा में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ए टू जेड अपने फॉर्म में कहीं पर भी किसी भी तरीके से करेक्शन कर सकते हो। आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा फॉर करेक्शन या एडिट फॉर्म। आप जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर, तो तुरंत उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगाना है। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो, दोबारा से पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। जिस नंबर को आपने वहाँ पर लॉगिन किया, जिस ईमेल आईडी को आपने लॉगिन किया उसके ऊपर ओटीपी आएगी और बिल्कुल सिंपल से तरीके से आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये कंप्लीट प्रोसेस करोगे, कैप्चा वगैरह लगाकर लॉगिन करोगे तो तुरंत आपके सामने कुछ इस तरीके से क्या आएगा, एक विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है आपका नाम। जैसे ये जो भी कैंडिडेट है मेरे जानकार हैं उनका मैंने ये रोल नंबर लिया है, फिर उसके थ्रू मैंने
ये सारा आपको दिखाने के लिए किया है। तो इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। इस पेज के ऊपर मेंशन है कि आप किस किस में और किस तरीके से करेक्शन कर सकते हो, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे मेन जानने के लिए क्या है, देखो आप फॉर्म में कितनी बार भी करेक्शन कर सकते हो, एक बार भी कर सकते हो, दो बार भी कर सकते हो। यदि आप अपने फॉर्म में पहली बार करेक्शन करोगे तो आपको प्रत्येक गलती का ₹200 का चार्ज पे करना पड़ेगा, और यदि आप अपने फॉर्म में दूसरी बार करेक्शन करते हो तो आपको पर मिस्टेक ₹500 का चार्ज पे करना पड़ेगा। अब ये कैसे, सपोज डैट आप पहली बार अपने फॉर्म में करेक्शन करना जा रहे हो, ठीक है, आपने अपने फॉर्म को लॉगिन कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू किया, और सपोज डैट आपको पता चला कि आपके फॉर्म में टोटल 5 गलतियाँ हैं, ठीक है, आप उनको ठीक करोगे, आपका टोटल ₹1,000 का पेमेंट बनेगा, ये ₹1,000 पे आप कर दोगे, उसके बाद में आपके फॉर्म में सारे करेक्शन जो भी आपने किए वो लागू हो जाएंगे। अब आपने एक बार करेक्शन कर दिया, फिर आपको लगा कि यार मेरे फॉर्म में कहीं पर और मिस्टेक रह गई, सपोज डेट ये 5 करेक्शन करने के बाद में आपके फॉर्म में एक और मिस्टेक रह गई, ठीक है, अब यदि इस मिस्टेक को आप ठीक करोगे तो इसका आपको ₹500 पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो आप जब भी करेक्शन करो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक तरीके से करना, सबसे पहले आप अपने पास जो प्रिंट है फॉर्म का उसको अच्छे तरीके से पढ़ना और उसमें निशान लगा लो कि कहाँ कहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, आपसे खुद से नहीं हो पा रहा तो आप अपने किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप खुद करो, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ को पढ़ो। बहुत सारी बार ऐसी भी गलतियाँ हो जाती हैं, पिछली बार नेट जेरफ का एग्जाम हुआ था, उसमें एक कैंडिडेट था जो मेल था, उसके से फीमेल भरा गया। अब ये इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं कि यार मेल फीमेल को कौन गलत मानेगा, कोई वो करेगा, भाई बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है ना, बहुत सारी बार ये हमारे से सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो फॉर्म को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ो, जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हैं उनको आप निशान लगाओ और फिर उनका बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से करेक्शन करो ताकि फिर कोई गलती ना रह जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, और भाई लोगों आप अपने खुद के कैरियर के लिए ये मात्र 30 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हो। आपको ये भी लग रहा है ना कि कोई गलती नहीं है, तो भी आप अपने आप को एक बार 30 मिनट का टाइम दो और दोबारा से फॉर्म को अच्छे से पढ़ो, सावधानी पूर्वक तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ, एक एक छोटे छोटे शब्दों को भी, ठीक है। यहाँ पर फिर से मेंशन किया हुआ है कि यदि आप एक करेक्शन करोगे स्टार्टिंग में तो उसका ₹200 पे, दोबारा से करेक्शन करोगे तो ₹500 पे लगेगा। अब आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, अदरवाइज जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आपके फॉर्म में ये गलतियाँ रह गई तो, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं और उनसे ज़्यादा पछतावा किसी को नहीं होता लाइफ में, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरीके से ज्वाइनिंग से जस्ट बाहर निकले हैं, ठीक है। तो देखो अब ये तीन गलतियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहली गलती आपकी जो फ़ोटो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, आप कोशिश करो अभी की लेटेस्ट फ़ोटो लगवाने की। आपने सपोज डेट कोई पुरानी फ़ोटो अपलोड कर रखी है तो अभी आपके पास समय है, करेक्शन विंडो ओपन है, आप अपनी अभी एक नई फ़ोटो कैप्चर करवाओ और उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करो, ठीक है। कोशिश करना आप जिस होलिये में एग्जाम सेंटर पर जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो उसी होलियो में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने किसी वे में फ़ोटो खिंचवा ली, थोड़ी सी सिंसियरिटी रखो यहाँ पर। तो आपने यदि बहुत पुरानी फ़ोटो अपलोड की है तो आप एक मिनट लगेगी, अभी की फ़िलहाल की फ़ोटो कैप्चर करवाओ और फिर उसको अपलोड करो। दूसरा, आपके सिग्नेचर ठीक होने चाहिए, उल्टे सुलटे से सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सिग्नेचर कर दिया या आपने जल्दबाजी में सिग्नेचर कर दिया, भाई आप सावधानी पूर्वक तरीके से थोड़ा सा सीरियस होकर सही ढंग से सारी चीज़ों को करो। अच्छे जो सिग्नेचर आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, जिन सिग्नेचरों को आप पिछले समय से काम लेते आ रहे हो, उन सिग्नेचरों को यहाँ पर अपलोड करो। हम अक्सर क्या करते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए अपना एक नया सिग्नेचर बना लेते हैं, ऐसा मत करो। अब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप सीनियर कैंडिडेट हो, तो आपको अपना एक सिग्नेचर फिक्स कर लेना चाहिए ताकि आप उसी सिग्नेचर को हर एक जगह काम लो, ताकि सिग्नेचर को लेकर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि देखो यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान उनको लगा कि आपकी फॉर्म में जो फ़ोटो है वो आप नहीं हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान लगा कि जो फॉर्म के अंदर सिग्नेचर थे वो आपके वर्तमान सिग्नेचर से मेल नहीं खा रहे, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। तो आप वो सिग्नेचर करो जो आप पुराने टाइम से यूज लेते आ रहे हो, जिनको आप आगे भी काम लेने वाले हो। फोटो वो अपलोड करो, आप अभी की जस्ट पिछले एक महीने की फोटो काम ले सकते हो, या चाहो तो आज नई फोटो खिंचवा कर उसको भी अपलोड कर सकते हो। कुछ कैंडिडेटों को पेमेंट के दौरान इश्यू आ जाता है, जैसे सर्वर डाउन हो गया उसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ, या फिर अब उन्होंने करेक्शन कर दिया और उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि पेमेंट को लेकर किसी तरीके का इशू होगा कि आपने फीस सबमिट नहीं किया, करेक्शन फीस सबमिट नहीं की, तो वो फिर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो ये तीन गलतियाँ, एक फ़ोटो वाली, दूसरा सिग्नेचर वाली और तीसरा पेमेंट वाली, यदि ये तीन गलतियाँ होती हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाए। और फोटो सिग्नेचर का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना। तो ये सारा सीन था, मात्र 30 मिनट का टाइम लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन सभी साथियों को भी पता चल सके कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको SSC GD की हर एक लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे डेडिकेशन, पूरे मोटिवेशन के साथ।